अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। मैं बहुत टाइम बाद आज दोबारा से अपने थोड़े से व्लॉग्स एडिट कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। बिज़ी ऐसे थी कि मैं, मेरी जो है सिस्टर की इंशाल्लाह शादी होने वाली है, एंड आई नो आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि भाई शादी COVID-19 में, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, हम बस बहुत ही लिमिटेड फैमिली मेम्बर्स होंगे, जो कि जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूंगी जब शादी होगी। मैंने उससे इजाज़त ले ली है कि मैं तुम्हारी जो है शादी का व्लॉग भी बनाऊंगी, लोगों को बताऊंगी कि COVID-19 में कैसे होती है शादी, या हमने की थी, एक यादगार रह जाएगी। और यहाँ पर मैं अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको मैं स्प्रे कर रही हूँ, मोटर स्प्रे कर रही हूँ ओनली, और इनको जो पानी है हम लोग देते हैं वीकली, या जब इसकी मिट्टी ज़्यादा ड्राई, फिंगर डाल के चेक करते हैं, अगर इसकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो फिर हम उसको पानी दे देते हैं। इनको ज़्यादा सिर्फ मिस्ट करना होता है, दैट्स इट। और आप लोग बताइए, मुझे थोड़े से मैसेजेस रिसीव हुए थे कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, आप कहाँ गायब हैं, आप क्या कर रही हैं, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं कहाँ पे बिज़ी हूँ। और साथ में बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं मेरे बच्चों की, तो उसके साथ उनके काम करवाना, उनके साथ बैठना, दोनों के साथ अलग अलग टाइम पे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने बहुत दफ़ा सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मुझे फाइनली कैप्चर करने का टाइम मिल गया, वीडियो बना ली मैंने। यहाँ पर एक कोयल बैठी हुई है और एक फीमेल, ये एक फीमेल कोयल है और मेल कोयल, दोनों साथ में बैठे हुए हैं, और जो है इनको मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि इनकी वीडियो बनाऊँगी, बिकॉज़ हमारे यहाँ जो दरख्त है साथ में है तो ये नेबर्स का, बट बिल्कुल हमारी विंडो के पास आता है, तो कभी यहाँ हमिंग बर्ड आती है, बुलबुल आती है, मैना आती है, चिड़िया आती है, तो बहुत अच्छा लगता है इनको देखना, इनकी आवाज़ें सुनना। तो आज मैं इनको इसलिए इनकी वीडियो बना सकी बिकॉज मेरी जो विंडो थी वो बंद थी और इनको नज़र नहीं आ रहा था, तो वरना मैं जब भी कैमरा उठाकर आगे आती हूँ तो ये पहले ही उड़ जाती है। तो खैर सोचो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ब्यूटी इनकी, बहुत ही ब्यूटीफुल कोयल जो है ना, शाइनी ब्लैक और रेड आइज, लाइव देखने की और बात होती है, और इस तरह से करीब से देखो ना तो और मज़ा आता है। तो एनीवेज आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या हाल चाल हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर हम पेंट कर रहे थे बच्चों के साथ मिलके, पेंटिंग वगैरह एक लीफ के ऊपर डिफरेंट 3 कलर्स लगाकर, और उसको एक पेपर पे जो है चिपका दिया था, तो बड़े अच्छे से डिज़ाइंस बन गए थे। बच्चों के साथ टाइम पास हो रहा था, थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही थी, बिकॉज बच्चों के साथ जो है बड़ा मुश्किल हो गया बेचारों के लिए, पार्क्स बंद हैं, प्लेइंग एरियाज बंद हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, सम टाइम पेंटिंग्स हो जाती हैं। और यहाँ पे हम जो है एक पिक्चर फ्रेम है उसको यूज़ कर रहे हैं, ये वॉशेबल है, तो मैंने सोचा चले अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा, तो रहमा यहाँ पे डिज़ाइन बना रही थी और डिफरेंट कलर्स जो है ब्रश की मदद से स्प्रे कर रही थी, और थोड़ा सा डर्टी हो गया था, पता है मैं यहाँ पर अखबार रखना पहले भूल गई थी, जब मैंने इसको उठा के देखा तो स्क्वायर सा रेक्टेंगुलर सा निशान बन गया था पेपर का A4 साइज के, तो फिर हमने बाद में इस पर दोबारा अखबार वगैरह बिछाया और फिर से अपने काम शुरू कर दिए।
और यहाँ पर हम बारबेक्यू कर रहे थे मेरी नंद के घर पर और बहुत ही मज़ा आया। रूफटॉप पे किया था हमने और यहाँ पे बहुत सारी मज़े की चीज़ें थी और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ साथ। आप व्लॉग बना लें, आप यहाँ से देख लें इसका बनाया आपने और मुझे बहुत खुशी हो रही थी लाइक कि उनको पता था कि मैं क्लिप्स लेती हूँ छोटे छोटे एंड शी वॉज लाइक कि ये नज़र आ रहा है आगे जब स्टेक बन रहा होगा मैं आपको बताऊँगी। वहाँ पर ये स्टेक है, बीफ स्टेक है, ये मेरे नंदोई ने बनाया था और बाकी जो है माशाल्लाह से ये बिहारी बोटी मैंने बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और मेरी नंद ने माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट किया था। ये तिक्के थे बहुत सारे और जो है ये रूफ टॉप है या आई डोंट नो मैंने अच्छा ओके आसमान की तस्वीर दिखाई आप लोगों को, आसमान का छोटा सा क्लिप दिखाई। ये एक तख्त है और रूफ टॉप पे चेयर्स रखी हुई हैं और ये वाला पार्ट है जहाँ मेरी मदर इन लॉ कह रही है इस जाली इस ग्रिल से नज़र आएगा, तो मैंने कहा जी जी आंटी नज़र आ रहा है, मैंने बना लिया है, पहले भी बनाया है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, उनसे बातें कर रही थी और साथ साथ बना रही थी और मैंने काफ़ी सारे इंतज़ाम किए थे अच्छे अच्छे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त जो है बिहारी बोटी बन रही है, टिक्के रेडी हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने चिकन स्टेक बनाया था जो कि मैं उसके क्लिप्स नहीं ले सकी। ये बीफ स्टेक है, मैश पोटैटो है और मटन पुलाव है, रायता है, मटन आलू गोश्त का सालन था और मशरूम सॉस है। तो खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और फिर एंड में ग्रीन टी बनाई। अगले रोज़ हम गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड सदर गए थे ताकि थोड़ी वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आएँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आएँ और बहुत ख्याल के साथ लाइक डेटॉल का स्प्रे साथ लेके जाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, कोशिश करते हैं किससे ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, लाइक टच वगैरह कोई ना करे, बहुत ज़्यादा करीब ना हो। और आजकल जो है एंट्रेंस मार्केट में बहुत कम ही रश होता है, ज़्यादा रश नहीं होता। और स्टडी टेबल्स मेरे बच्चों के पुराने वाले जो है, मेरी बेटी का टूट गया था तो मेरे हस्बैंड फिर न्यू लेकर आए थे, उन्होंने इनको सरप्राइज़ दिया था और मुझे भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कहाँ गए, वो लेकर आए तो फिर मुझे पता चला अच्छा कि स्टडी टेबल आए हैं। फिर हमने आलू और चीज़ के कबाब खाए थे जो कि मैंने एग के बगैर बनाए थे, मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।